बैक टू नॉर्मल रूटीन। आज 4 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट हो गई है और अब करते हैं फंक्शनल एक्सरसाइज। चलकर कैमरे को साइड कर देता हूँ मैं साइड में और पहला साइड करते हैं का। एक्सरसाइज नंबर 3 जंपिंग। टो को टच करके स्ट्रेचिंग कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 5 स्क्वाट्स। एक्सरसाइज नंबर 6 फ्री वेट लंचेस। वन सेट ऑफ पुशअप्स रेपिटेशन 10। बची हुई एक्सरसाइज इधर मशीनों पर करते हैं। वर्कआउट पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैं पसीने पसीने हो गया। यह ग्राउंड का व्यू।
अब चलते हैं घर, थोड़ी देर बाद रेस्ट करके थोड़ा स्ट्रेचिंग करके फिर मिलते हैं घर पे आपको। अभी तो साइकिलिंग भी बाकी है मेरी करीबन करीबन 8 किलोमीटर, और साइकिलिंग भी बढ़ा दी है मैंने, 15 किलोमीटर टोटल साइकिलिंग हो रही है और रनिंग हो गई आज 4 किलोमीटर। बस जिम और चालू हो जाए तो फिर जिम भी चलेंगे थोड़े दिनों बाद, फिर मिलते हैं थोड़े। ये बाकी ग्राउंड से बहुत अच्छा ग्राउंड है, बाकी सब फुटबॉल खेल रहे हैं, मेरे भी इच्छा कर रही है फुटबॉल खेलने की, लेकिन आज फुटबॉल खेल लिया तो साइकिलिंग करके घर नहीं जा पाऊँगा, किसी और दिन खेलेंगे। ग्राउंड की घास भी बहुत प्यारी है, सुबह अच्छा खेलने में मज़ा आता है। और आज से डाइटिंग स्टार्ट शुरू कर रहे हैं, तो ग्रीन टी तो बनी चुकी है और डाइट के सामान है पत्ता गोभी और शिमला मिर्च काट ली है, पनीर फ्रिज में रखा है, और ग्रीन टी पीते हैं फिर उसके बाद अपनी डाइट तैयार करेंगे क्योंकि डाइटिंग स्टार्ट करनी है, बहुत दिन हो गया। ये पत्ता गोभी पनीर अपना तैयार है, बिना बिल्कुल स्वाद अनुसार सॉल्ट डालेंगे इसमें और हल्का सा नमक और हल्के से काली मिर्च डालकर इसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल की बिल्कुल चिपके ना कढ़ाई में, और अपना रेडी। अब मैं जाता हूँ चलिए नहाने, वहाँ के रिटर्न आता हूँ, फिर अमेजोन से पार्सल रिसीव करके ऊपर चलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। रॉकर 330 मंगाए थे न्यू, अनबॉक्स करते हैं इसे, ओपन करते हैं बॉक्स में देखते हैं कैसा क्या है इसमें। और बॉक्स का ओपन कर दिया, बॉक्स तो बहुत अच्छा दिख रहा है, प्रीमियम क्वालिटी का, और ये इसका बिल है, मुझे ये पड़े हैं कुछ 1299 रुपए में ऑफ़र में, लेकिन हैं 1800 कुछ रुपए के। बॉक्स ओपन कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं इसकी टेप से और बॉक्स ओपन करके बताते हैं आपको क्या क्या है इसके अंदर का। ये ईयरफोन रखे मिले, ये कॉलर हेडसेट अपन को, और ये मेरे पुराने वाले हैं, उससे तो ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं मुझे, और मेटल के हैं कॉलर इसके, और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। ईयरबड्स हैं और चार्जिंग केबल है सी टाइप पोर्ट की, और यूज़र मेन्यू कार्ड है जो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को भी बेसिकली, इसको तो फिर रखते हैं साइड में, और कॉलर हेडसेट को देखते हैं। ज़्यादातर मैं बोट कंपनी के ही ईयरफोन्स और स्पीकर वगैरह प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी रहती है, और मेरे पास इसका बोट स्पीकर भी है, ब्लूटूथ स्पीकर। अब मेरे पास दूसरे कॉलर हेडसेट मंगाए मैंने ये पापा के लिए, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी है, साउंड भी इसका मैं देख चुका हूँ साउंड, और साउंड इसका बहुत अच्छा है, मैंने इसको चेक कर चुका है, ये साउंड प्रीमियम क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। क्रिकेट खेल के रिटर्न आ गया हूँ, अब चलता हूँ पापा को टिफिन देने ऑफिस, और बढ़िया मज़ा आ रहा है, ठंडक हो गई है गर्मियों के दिन में, शाम के टाइम थोड़ा अच्छा ठंडा हो गया है माहौल बहुत देरों बाद, और साइड में ट्रेन खड़ी है आउटर पर, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लाइटिंग, और अभी चलते हैं देखते हैं बढ़िया। लॉकडाउन खुल गया है तो लोग भी बहुत निकल रहे हैं रोड पर, लेकिन मार्केट वगैरह दोपहर के 3 बजे तक खुल रहे हैं। यहाँ भाई थोड़ा ऊपर डिबर मार ले यार, मुँह पर ही रोशनी मार रहा है तो, और एक तो हेलमेट पहन लो तो कुछ दिखता नहीं है, बस स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं अपन, अब चलते हैं ऑफिस में, पार्किंग में गाड़ी लगाकर अपन चलते हैं अंदर, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ सारे ऑफिस हैं, वहीं चलते हैं। एमपी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बिजीस्ट स्टेशन होता था ये, आजकल बिल्कुल खाली चल रहा है, ट्रेन बिल्कुल नहीं चल रही कोविड की वजह से। और ये है पीटीए रूम, और ये पापा का ऑफिस है विद्युत लोगों से जिटा से टीआरएस डिपार्टमेंट, स्टेशन पूरा खाली है जैसा आप देख सकते हैं, पापा के ऑफिस में टिकट रख दिया, अपन चलते हैं घर, और पूरा स्टेशन खाली है, कोई नहीं है, यानी जो नॉर्मली स्टाफ है स्टाफ भी हाफ स्टाफ है, वैसे चेकिंग चल रही है, अंकल लोग देख रहे हैं और कोई नहीं, ट्रेन खड़ी है साइड में, अब चलते हैं अपन बाहर और बाइक से घर चलते हैं।
पार्किंग में आ चुका हूँ, बाइक ऑन करके चलते हैं घर। और बाकी लोग भी स्टेशन के बाहर खड़े रहते हैं चाय पीने वगैरह के लिए। भीड़ लग जाती है शाम के टाइम रेहता से पेट्रोल पम्प। और ये देखो पिंक कलर का चड्डा पहना है। अब बस लॉन्ग नहीं करते ज़्यादा ब्लॉग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। कमेंट्स में बताना कैसा लगा ब्लॉग आज का।